वहीं एक अहम खबर की बात करेंगे जो कि श्योपुर से, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के संवाद कार्यक्रम के दौरान सिंधिया के भोजन करने से पहले ही कार्यकर्ताओं ने खाना लूट लिया, जिससे सिंधिया नाराज हो गए। कार्यकर्ताओं के धक्का मुक्की करते देख सिंधिया वापस लौट गए। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया मोती कुंज में चल रहे कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन यहां के हालात देखकर वो बिना खाना खाए ही वापस लौट गए। सिंधिया की सभा में खाना खाने को लेकर लूट मच गई। अभी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खाना खाने के लिए किस कदर लोग बाग टूट पड़े हैं। एक बार और अच्छे से ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए कि ये कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर लगा था, कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम चल रहा था। संवाद कार्यक्रम में बातचीत चर्चा कार्यकर्ताओं से, लेकिन खाना देखते ही संवाद को दरकिनार करते हुए पेट पूजा सबसे पहले और फिर कोई दूसरा काम। और ऐसे ही यहां पर नजर आया, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैसे ही देखा कि संवाद को दरकिनार कर खाने पर टूट पड़े हैं यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से निकल गए।